दोस्तों इस वाले इजी गेम को आपको ज्यादा नहीं सिर्फ और सिर्फ 40 सेकंड तक खेलना है। खेलने में बहुत ही आसान है दोस्तों। आज के इस वीडियो में इस गेम का ट्रिक भी मैं आपको दूंगा कि हर बार आप इस गेम को कैसे जीत सकते हो। आज का ये वीडियो प्ले एंड अर्न पेटीएम कैश के ऊपर होगा, तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा का पूरा देखना। अच्छी बात तो दोस्तों ये है कि इस एक गेम में यहाँ पे दोस्तों आप जो है हर बार खेलते हो ऑलमोस्ट 20 रुपीज मिनिमम यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों उससे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पे आपको 1 रुपीज पे ही पेटीएम ट्रांसफर मिल जाता है। यहाँ पे दोस्तों मेरा 1 रुपया हो गया, यहाँ पे दोस्तों मैंने ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो पेटीएम में मुझे रिसीव भी हो गया। यहाँ पे दोस्तों मेरे पास कुछ और बैलेंस है, चले उन सभी को रिडीम करता हूं, तो 347 रुपीज मेरे पास है। तो यहां पे दोस्तों मैंने इसको रिडीम किया एंड आप दोस्तों देख सकते हो ये लाइव मैंने रिडीम किया दोस्तों, ये भी मुझे जो है पेटीएम कैश में रिसीव हो गया। दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक है मैं 750 लाइक्स रखा हूं। आई नो दोस्तों आप लोग कंप्लीट कर दोगे, तो भाई फटाफट से अभी का भी लाइक मारो दोस्तों, 750 लाइक्स कर दो, ताकि इन फ्यूचर दोस्तों मैं आपको इससे भी कमाल के वीडियोस एंड ऑफर्स डेली बेसिस पे। चल दोस्तों चलते हैं आज के इस वीडियो पे। सो दोस्तों वीडियो है एक एप्लीकेशन के ऊपर जो कि दोस्तों एक गेमिंग अर्निंग एप्लीकेशन है, उसका नाम है हालो प्ले। यहाँ पर दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, लिंक पे क्लिक कर लेना, अपना एक आईडी बना लेना एंड इस एप्लीकेशन को आप जो है ओपन कर सकते हो। ये एक सिंपल सा गेम है जहां पे दोस्तों आपको जो है एक टाइगर को जंप कराने वाला यहाँ पे गेम है। यहाँ पे दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको छोटा सा ट्रिक भी बताऊंगा, बिकॉज दोस्तों मैंने इसको इतना प्रैक्टिस किया ना कि मुझे लगता है दोस्तों मेरे पास कुछ तो ट्रिक है इसके बारे में कि इसको कैसे अच्छे से खेल सकते हैं। एक्चुअली दोस्तों ये गेम जो है ना ये बहुत ही आसान ही है, ऐसे देखने में लगता है कठिन है लेकिन दोस्तों है ये बहुत आसान, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैंने इसको एक बार नहीं ऑलमोस्ट 50-90 टाइम्स खेल लिया है। सो दोस्तों मुझे पूरा एक्सपीरियंस हो गया कि कब क्या होने वाला है दोस्तों, कैसे इस गेम को परफॉर्म करना है ताकि दोस्तों आपकी अच्छी खासी जो है अर्निंग होती रहे एंड हर बार दोस्तों आप जीतते रहो। यहाँ पे दोस्तों विनिंग के चांसेस दोस्तों मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप 100 out of 100% यहाँ पे जीतने ही वाले हो। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको ये बोल सकता हूँ अगर आप 10 बार खेलते हो तो दोस्तों जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जैसे मैं खेलने के लिए बोला अगर आप वैसे खेलते हो सो ऑलमोस्ट दोस्तों यहाँ पे आपको 7 से 8 बार जो है विनिंग्स मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने आपसे बात करते करते यहाँ पे 20 रुपीज का विनिंग कर ही लिया। अब दोस्तों आते हैं इस एप्लीकेशन आपको क्या क्या देखने को मिलता है। सो दोस्तों सबसे नीचे तो आपको दोस्तों यहाँ पे ऊपर देख सकते हो बैनर, यहाँ पे दोस्तों देखो ये 1v1 बैटल गेम है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे लिखा गया कि आपको जो है 1 रुपए पे ही रिडीम मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों 1 रुपए पे ही मिला हुआ है एंड यहाँ पे दोस्तों आपको बस एक ही ओपोनेंट से खेलना होता है, कोई यहाँ पे लीडर बोर्ड या फिर कुछ ऐसा कुछ नहीं है। आप 1v1 बैटल करो दोस्तों, उसके बाद जो भी रिडीम कर लो इसका दोस्तों यहाँ पे अगर आप 3 लाइन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका प्रोफाइल का सेक्शन दिखता है। इसी के अंदर दोस्तों यहाँ पे आपको जो है वॉलेट का सेक्शन दिखता है जहाँ पे दोस्तों आप एड मनी कर सकते हो एंड दोस्तों विड्रॉल भी लगा सकते हो। जी हाँ दोस्तों ये गेम एक पेड गेम है यानी कि इन्वेस्ट एंड अर्न वाली गेम है। सो दोस्तों आपको यहाँ पे जो है पहले तो एड मनी करना होगा, फिर दोस्तों आप यहाँ पे खेल सकते हो। सो यहाँ पे दोस्तों कैसे एड मनी करना होगा, तो सपोज करो यहाँ पे मैं 10 रुपए का एड मनी करना चाहूँ, तो यहाँ पे मैं एड मनी करने के लिए 10 पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक किया। फिर दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आपको अपना मेल आईडी भर देना है। मेल आईडी भरने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। फिर दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट वाले स्क्रीन पे आपको जो है ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि दोस्तों आपको क्या से एड मनी करना है, पेटीएम, फोन पे, जो भी आपको यहाँ पे जो भी वॉलेट दिख रहा हो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे आप एड मनी लगा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों जब आप गेम खेलने के लिए जाओगे तो सबसे ऊपर दोस्तों आपको फ्री वाली गेम्स दिखेगी। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में आप फ्री गेम खेल के अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेना। जी दोस्तों प्रैक्टिस मेरे ट्रिक के अकॉर्डिंग करना, तो दोस्तों आपको मालूम चला कि ट्रिक वर्क करता है कि नहीं। फिर दोस्तों नीचे के जो भी टेबल है उसके अकॉर्डिंग कोई भी प्राइस मैंने चुन के आप दोस्तों एंटर कर जाना। यहाँ पर दोस्तों मैंने 20 रुपीज वाला चुना यानी कि 10 रुपया इन्वेस्ट करके यहाँ पे दोस्तों 20 रुपए मेरी अर्निंग होगी। यहाँ पर दोस्तों ये गेम देखो दोस्तों यहाँ पे ये स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर दोस्तों मेरा ट्रिक देखो, ठीक है ना दोस्तों, ट्रिक बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको दोस्तों यहाँ पे जंप पे कॉन्सेंट्रेट करना है, यहाँ पे डायमंड पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, क्योंकि दोस्तों एट द एंड डायमंड आपके पास आती है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप ध्यान दो तो दोस्तों जैसे ही आप ऊपर वाले लाइन पे पहुंच जाते हो ना डायमंड नीचे की ओर आ जाती है, यानी कि दोस्तों आप खुद ही उस डायमंड से टकरा जाओगे। सो दोस्तों आप डायमंड को भुला के अगर जंप पे कॉन्सेंट्रेट करो तो दोस्तों आप हर बार जीत सकते हो। इससे ये क्या होता है क्योंकि हम लोग डायमंड खाने के चक्कर में जंप तो करते हैं, इससे क्या होता है कि हम लोग एग्जिट हो जाते हैं यानी कि नीचे आ जाते हैं और गिर जाते हैं। सो दोस्तों इससे आपको बचना है, यही छोटा सा ट्रिक मैंने अप्लाई किया था दोस्तों। हर बार मैं मोर देन 8 टाइम्स जीत जाता हूँ 10 बार में। एंड यहाँ पे दोस्तों मेरा वॉलेट बैलेंस आप दोस्तों देख भी सकते हो, 348 रुपए मेरे पास। एंड जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैं आपको लाइव एक बार पेमेंट करके दिखाता हूँ, रिडीम लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको बैंक, पेटीएम एंड यूपीआई का ऑप्शन मिलता है, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों आप पेटीएम यूज करो क्योंकि पेटीएम सहूलियत होती है यार दोस्तों, 1 क्लिक पेटीएम मिल जाता है एंड सीधे सीधे जाओ अपना पासबुक में देख लो बैलेंस अपडेट हो गया। एंड अभी दोस्तों पेटीएम एक और फीचर है कि भाई अगर आप चाहो तो अपना 5000-10000 जो भी बैलेंस है उसको दोस्तों 0% चार्जेस पर अपने बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि जो पहले चार्जेस करती थी वो दोस्तों चार्जेस भी करना बंद हो गए। ठीक है ना, अभी दोस्तों मेरे पास 347 है, चलिए इसको भी एक बार मैं विड्रॉल कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैंने इसका भी विड्रॉल लगा लिया। यहाँ पर दोस्तों ये जो बैलेंस है ना ये भी मुझे रिसीव हो गया, एक बार मैं पासबुक को जो है रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 347 मुझे रिसीव हो गई। सो दोस्तों आज के इस वीडियो बस में इतना ही।